लघु चेतसा उदार चरितारं तु उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम् वसुदैव कुटुम्बकम् ॐ पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते 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 पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण एवरीबॉडी कैन हियर मी आई होप एवरीबॉडी कैन हियर यस 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 आज ये हमारा सातवां प्रवचन सातवीं कड़ी है भगवद गीता 12वें अध्याय भक्ति योग की और हर एक प्रवचन के बाद दूसरे दिन कुणाल भाई रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं कितनों ने सुना वो रिकॉर्डिंग देखिए ये हाल है हमारा एक घंटा ही हम भगवान के संग है जैसे ये निश्चित समय ओवर हुआ कि वापस हमारे संसार में हम डूब जाते हैं सब क्या सुपर इंटेलिजेंट सब कोई सबको अच्छे से आ गया जैसे ही कथा सुन के दे डोंट नीड टू लिसन इट अगेन क्योंकि ऐसी हालत है ऐसे लॉकडाउन में भी हम कंसंट्रेट नहीं कर सक रहे तो इमेजिन जब सब कुछ वापस खुल जाएगा नॉर्मल हो जाएगा तो क्या गति होगी भगवद्गीता की Then, Vijal, I will tell you one thing. I will tell you my experience. Working from home is very tired. Very tired. I'm telling you, frankly. अभी मेरा 8 बजे से कॉल बिजनेस ने डाल दिया 7 बजे कॉल करना है 8:15 बजे तक कॉल चला एंड बीच बीच में भी इट इज नॉट वेरी इजी वर्किंग फ्रॉम होम ओनली बेनिफिट इज ट्रेवल टाइम यू आर रिड्यूसिंग एंड यू गेट अप एट 9 o'clock ऑल्सो इज फाइन That's the only advantage. In general, Ray, Manish, in general, all are not working, na? That in your case. Not exception. He's saying, lockdown mein tumhara ye You are industry specific. General, Ray, he's telling general, in general. Achha, achha. Aapka industry specific ye haal hai. Baaki sab hum log kaun se kaun call lete hai. Ek minute, ha? Humne kya hai? Chalo, sir. So, anyways. तो यही यही बात है इट इज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी हम प्राथमिकता किसे देते हैं हमारे मन में क्या भरा हुआ है अग्री, अग्री. लेवल होता है अग्री. कि आज ऑफिस अनिवार्य है उसके बिना चलेगा ही नहीं ये हमारा धर्म है ड्यूटी है यू कैनॉट मिस ऑन इट बट उसके बाद हमारे जीवन में प्रायोरिटी क्या है सब अपने अपने आप को उत्तर दो जो हमारी प्रायोरिटी है वैसे ही हम होंगे मन में जिसको हमने प्रायोरिटी दी है प्राथमिकता दी है उसमें ही हम लगे रहेंगे और हमारा जीवन वैसा ही बनेगा कि ये जो विषय है भगवत गीता ये स्टोरी नहीं है कि आपने एक बार सुना आनंद प्राप्त किया और भूल गए मूवीज देखना सबको पसंद है थिएटर में जाते हैं हम घर पे देखते हैं टीवी में बट मूवी की लाइफ 2 से 2.5 घंटा होती है और 2 से 2.5 घंटा इतना इंटरेस्ट से देखते हैं देखकर जब बाहर आते हैं
उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू? नथिंग। ढाई घंटा का वो एंटरटेनमेंट समाप्त, दूसरे दिन उसकी कोई वैल्यू नहीं। दूसरे बार फ्री में आती होगी तो भी हम वो मूवी देखेंगे। भगवद गीता का ऐसा नहीं कि जितनी बार हम पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे, यू विल डिराइव सम वैल्यू आउट ऑफ इट। उसमें से कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होगा, बिलीव में। मैं जब दूसरी बार पढ़ता हूँ, तीसरी बार पढ़ता हूँ, तो ध्यान में आता है कुछ ना कुछ छूट गया था जो पिछली बार मैं ठीक तरीके से समझा नहीं था, इस बार मुझे ठीक तरीके से दिखाई देता कि ये बात ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये उसकी ब्यूटी है। इतनी सब्जेक्टिव है, इतनी सब्जेक्टिव है कि आप जिस तरीके से देखो उस तरीके से उसको देख सकते हो, कि नया आपको उसका मीनिंग दिखाई देता है। तो कहने का अर्थ है, ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, इसका अध्ययन करें, इसके ऊपर चिंतन करें। यदि आपको पढ़ने में रुझान नहीं है, रुचि नहीं है, तो सुनो उसको जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर वक्त मिले, आप पूरा ना सुन सके पौना घंटा तो भी कुछ भी बात नहीं है, ये कोई स्टोरी तो है नहीं। आप बीच में से भी 15 मिनट भी सुन सको तो कुछ ना कुछ तत्व ज्ञान आपको उसमें से जानने को मिलेगा। कुछ ना कुछ जीवन के मूल्य, वैल्यूज ऑफ लाइफ, कुछ ना कुछ एथिक्स हमें जानने को मिले। ये जब एथिक्स, ये जब मूल्य हमारे जीवन में आते हैं, तब हमारा स्वभाव बदलता है, हमारा कैरेक्टर बदलता है, हमारा जीवन बदलता है उस। तो पढ़िए, सुनिए, और एक बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए। ये करने से हमारे अंदर ये मूल्य स्थिर होंगे, हमारे बुद्धि में बैठ जाएंगे वो, और एक दिन हमारा स्वभाव बनेगा। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। That should be the aim. धर्म का एम क्या है? धर्म का एम बनना है। हम कुछ बने, ह्यूमन बीइंग्स चेंज हो, उसमें परिवर्तन आए, ये हेतु था कि जिसके लिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे अवतार, ये सब क्यों हुए? हमारे अंदर धर्म इंस्टॉल करने को। क्यों? धर्म वो वैल्यू है जो मुझे बदलता है। इट चेंजेस मी टू बेटर। वानर में से नर बनाया धर्म ने, और आज हमें इतना कुछ मिल गया है कि हम उसे भूल गए और वापस वानर बन रहे। अब सिविलाइजेशन देखो, पीक पर जाके वापस हम एक जमाने में, आज से हजारों साल पहले, मनुष्य कपड़े नहीं पहनता था, फिर पत्ते पहनना सीखा, फिर आज का युग आया जब पूर्ण कपड़े अभी कम हो रहे हैं वापस। वी आर गोइंग बैक टू अनसिविलाइज्ड स्टेट, कपड़े कम हो रहे। वैसे ही अकेला घूमता था, उसमें से शादी करना सीखा उसने। मैरिज इंस्टीट्यूट, शादी कितने हजारों साल तक रही, अभी वो भी टूट रहा है। लिव इन रिलेशनशिप्स, मैरिज संस्था को भी हम तोड़ रहे हैं। वी आर गोइंग बैक टू अनसिविलाइजेशन। फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। व्हाट इज फ्रीडम? एनिमल लाइफ। पशु के जीवन में है कोई बंधन, कोई नियम? नथिंग। दे आर लिविंग अ फ्री लाइफ। मनुष्य भी वैसे जीता था, समझ से उसने नियम बनाए और वो जानवर में से नर बना। तो ये जो नियम होते हैं, ये सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, ये धर्म है। ये अगर हमने छोड़ दिए, हमने तोड़ दिए, तो वापस पशु जीवन की तरफ हम चले जाए। और वो कहां से मिलते हैं हमें? हमारे स्क्रिप्चर्स में से। उसमें से सबसे टॉप पर मैं भगवद गीता को रखूंगा। तो 12वें अध्याय का 5वां श्लोक हम देख रहे थे पिछली बार। फर्स्ट लाइन के ऊपर हमने विचार किया, क्लेशो दिक्कत अरस्ते शाम अव्यक्ता सत्त चेतसा। बहुत सिंपल बात है, जो अव्यक्त निर्गुण के पाथ पथ पर जो चल रहा है, निर्गुण तत्व को प्राप्त करने के लिए जो चल रहा है, उसको क्लेश अधिक होगा। तेशा में यानी उनको अधिक क्लेश होगा। किसके लिए क्लेश होगा? क्योंकि कोई आधार ही नहीं। हमने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर देखा कि सगुण भक्ति कितनी सुगम है, वो बिल्ली के बच्चे की जैसे। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में लेके सब जगह घूमती है, बच्चे को कुछ नहीं करना होता, बस अपने माँ के सहारे टोटली। वैसे ही सगुण भक्ति में भक्त ईश्वर के, प्रभु के, भगवान के सहारे होता है, उसे कुछ नहीं करना होता। लेकिन निर्गुण भक्ति उस बंदर के बच्चे की तरह, जो अपनी माँ को पकड़ के बैठा है, माँ कुछ नहीं कर रही है, माँ जो अपने दिनचर्या करती रहती है, लेकिन बच्चा पकड़ के बैठा है,
वहां पे जो बंदर का बच्चा है वैसी परिस्थिति निर्गुण भक्त की है, उसका मार्ग कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि कुछ भी आधार के बिना उसको आगे चलना है और अंत में उसको ईश्वर प्राप्त होंगे। निर्गुण भक्ति में पहले ही ईश्वर प्राप्त हो जाता है और अंत में ज्ञान होता है, ये दोनों ऑपोजिट है इनका। तो क्लेश अधिक है अव्यक्त में मन को आसक्त करने से, चेतस यानी मन, मन को अव्यक्त में लगाने का मार्ग कठिन है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, गति यानी डेस्टिनी, गति यानी डेस्टिनी मार्ग भी कह सकते हैं उसको, लेकिन ज्यादातर गति का अर्थ है डेस्टिनी, तुम्हारा एम। अव्यक्त के मार्ग पर, निर्गुण के मार्ग पे चलने वाले को ज्यादा दुख प्राप्त होते हैं, ज्यादा कष्ट प्राप्त होते हैं भक्त से ज्यादा, क्योंकि सब कुछ उसे स्वयं को ही करना है, उसे स्वयं को ही करना है। एक अनाथ बालक ले लो और एक वो बालक जिसके माता पिता जीवित है, जिसके माता पिता ने पूरी लाइफ उसकी सेट करके दी, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, कामकाज में सेटल किया, शादी की, यहाँ तक सब कुछ माँ बाप ने किया, वो सगुण भक्त। और निर्गुण भक्त वो अनाथ बालक जो अपने आप पैसों का बंदोबस्त करके पढ़ता है, स्वयं कामकाज सीखता है और खुद घर बसा, इतना बड़ा अंतर है दोनों के अंदर। तो अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त को प्राप्त करने के मार्ग पे जो चलता है उसकी गति, उसका मार्ग दुखी होता है। देहवद्भिर वाप्यते, देहवद्भिर अवाप्यते होता है, लेकिन संस्कृत में अ संधि जब होती है तो अ वापस लिखते नहीं, क्योंकि देहवद भी और अव्याप्यते को ज्वाइन करो तो देहवद्भिर वाप्यते। देहवद्भिर यानी मैं देही हूं, ये ज्ञान। देही मतलब एक दो चीजें, एक देही यानी आत्मा और देह यानी शरीर, शरीर और शरीरी, देह और देही, ये आप समझिए। शरीर यानी बॉडी, शरीरी यानी आत्मा, देह यानी बॉडी, देही यानी आत्मा। देह का अभिमान होना यानी मैं ये देह हूं, अहंकार, व्हाट इज अहंकार, अहम प्लस आकार, ये जो मेरा आकार है ये मैं, अर्थात ये जो हमारा शरीर है, शरीर के ऊपर हमें श्रद्धा ज्यादा है कि यही मैं। जैसे शरीर को हम मैं मानते हैं जब तक, तब तक हम इंद्रियों के द्वारा कठपुतली की तरह इंद्रियां नचाती है हमें। 6 दिन हो गए रेस्टोरेंट में गए नहीं खाना खाने, 7वें दिन परिवार रेस्टोरेंट में, एक टेस्ट हमें दौड़ाती है। 2 हफ्ते हो गए मूवी नहीं देखा है, 15 दिन के बाद परिवार थिएटर में दिखेगा। हमारा जीवन इंद्रिय डिसाइड करती है, हमारा मन डिसाइड करता है, मन में जो इच्छा होता है वैसे ही 80 किलो का शरीर करता है। बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन माइंड। तो जब तक ये देह यानी तीनों देह जो प्रकृति जन्य है, कारण देह, सूक्ष्म देह, स्थूल देह, जब तक इसके अंदर हमारी माया है, इसके अंदर हमारी आसक्ति है, तब तक मार्ग में कांटे आते रहेंगे, तब तक ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे निर्गुण के मार्ग पे, वो हमें खींचती रहेगी, हमारी इंद्रिय ज्ञान से दूर लेती जाएगी हमें। इसके लिए निर्गुण के मार्ग पर चलने वाला जिसको अव्यक्त में आसक्ति है, उसको क्या सबसे बड़ा संकट आता है, अपना देह, अपनी इंद्रिया, अपना मन, ये उनको खींचती है संसार के तरफ। देह, सूक्ष्म देह, स्थूल देह, ये सब प्रकृति जन्य है और प्रकृति के सारे गुण उसके अंदर है, गुण और दुर्गुण दोनों। दो प्रकार की प्रकृति, एक का परा, एक जड़ प्रकृति, एक चैतन्य प्रकृति, परा और अपरा, दो प्रकार की प्रकृति होती है। तो ये प्रकृति का असर देह के ऊपर होता है और प्रकृति के सभी गुण देह के अंदर हमें दिखते हैं। तो यही हमारा देह, जब तक आसक्ति शरीर के साथ है, जब तक आसक्ति इंद्रियों के साथ है, जब तक मन हमें ना चाहता है, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम मन के कंट्रोल में, तब तक ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इच्छा तो बहुत होगी हमें, हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, हमें इच्छा होती है कि हमारा जीवन भी हम सात्विक बनाए, अच्छा बने हम भी, लेकिन मार्ग में ये सब कठिनाई, हमारे ही अंदर के ईगो, हमारी
ईर्ष्या, हमारा अहंकार। प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये दिखते ही नहीं। हमारा जब ईगो हर्ट होता है और हमारा जो रिएक्शन आता है, दैट वी आर अनेबल टू सी इट, एनालाइज ही हम नहीं कर सकते। यदि कोई उस वक्त बता दे हमें कि ये देख ईर्ष्या हो रही है तुझे, ये अवेयरनेस आ जाए तो हम संभल जाते, समझ जाते हैं शायद मैं ये गलत कर रहा हूँ। अगर हम अकेले हैं तो हमारे दिमाग में आता है, क्रोध आ जाता है, बाद में पता चलता है कि मैंने क्रोध किया। जब आने लगता है तब अवेयरनेस नहीं होती है कि क्रोध आ रहा है या मैं क्रोध कर रहा हूँ, हो जाने के बाद पता चलता है ये मैंने क्रोध किया। तो ये जो अवेयरनेस है, ये जो समझ है, ये पेशेंस से धीरज पूर्वक डेवलप होती है, स्लोली डेवलप होती है। उसके ऊपर प्रयास करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है उसके ऊपर, तब जाके वो हमारा स्वभाव बदलता है और अच्छी बातें हमारे अंदर आती है। तो जब तक, यहाँ बात हम निर्गुण तत्व की कर रहे हैं, निर्गुण तत्व को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रहे हैं उसको सबसे बड़ा उसमें तकलीफ क्या आती है, अपना देह स्वयं तकलीफ है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, वो जब भटक जाता है तो हमें इस मार्ग से दूर कर देता है। तो ये भगवान ने निर्देशन किया अर्जुन को, ये जो अव्यक्त आसक्ति लगाते हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उनका उनका जो मार्ग है वो कठिन है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वदवाप्यते, स्वयं का देह, स्वयं का शरीर और उसके ऊपर रही आसक्ति, ये बीच में आ जाती है और उसके कारण वो भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते, दुर्गम हो जाते, बहुत कम लोग आगे पहुंच सकते हैं। तो ये था हमारा पांचवा श्लोक। क्लेशो दिगतरस्ते शाम अव्यक्ता तक्त चेतसा, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वदबिर प्राप्यते। तो ये पांचवे श्लोक का प्रणाम करके हम यहाँ पर समापन कर रहे हैं। अगर कुछ पांचवें श्लोक के ऊपर चर्चा या प्रश्न हो तो एक 2-5 मिनट के लिए श्लोक समाप्त हुआ है तो हम ले सकते हैं, उसके बाद छठे श्लोक पे आगे। कुणाल मेरे को क्या लगता है, मेरे को क्या लगता है, अभी क्या है, जलसी और क्रोध भी आ रहा होता है और जलसी हो रही होती है तो भी इंसान को पता तो रहता है। आजकल इंसान क्या थोड़े समझदार होते हैं तो उनको पता तो रहता है, बट समहाउ दे इग्नोर, कंट्रोल नहीं कर पाते। यस, बिकॉज एक रिवेंज की भावना होती है ना मन के अंदर, उसने मेरा ये किया तो मैं भी ये करूंगा, इसके ऊपर ये भी अहंकार जन्य है, ये जो बदले की भावना है। जब हमारा अहंकार घायल होता है तब रिवेंज की बात आती है। द्रुपद ने दरबार के अंदर द्रोणाचार्य की मित्रता को अस्वीकार किया और द्रोणाचार्य का मन आहत हुआ। मेरा ही मित्र जो मेरे साथ सहपाठी था, एक ही आश्रम में हम लोग पढ़ते थे, उसने आज मेरा तिरस्कार किया और जो बदले की भावना हुई उससे उन्होंने पांडव और कौरव जैसे शूरवीर योद्धा तैयार किए और एक दिन द्रुपद को हरा के उसको उसकी वो उसके बदला लिया, उसने उसको हरा के दिखाया कि ये देख मेरे में भी सामर्थ्य है, भले ही मैं गरीब ब्राह्मण रहा बट मेरे पास शक्ति है, मेरे पास विद्या है। तो ये होता है हमारे लिए। आज चाणक्य के साथ क्या हुआ, धननंद ने भी वही किया, उसको अपमानित किया और जब अपमान हुआ, जब अहंकार ये हुआ उसका, तो उसने हरा के बताया धननंद को। बट ये गलत नहीं, इसके पीछे की भावना गलत नहीं थी, चाणक्य ने जो किया उसके पीछे की भावना धर्म ही थी। बट ये हमारे अहंकार के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शस्त्र, ब्राह्मण भी सम्राट को हरा सकते, सोचिए हमारे अंदर कितनी शक्ति है, व्यक्ति के अंदर दिस अहंकार ये कितना जबरदस्त पावरफुल है। और भक्ति जिन्होंने किया है ऐसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं महापुरुषों के जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की है, कुछ ऐसे लोग जो
सगुण भक्ति और किसने निर्गुण भक्ति की है। डेफिनेटली कुछ सबसे पहले कुणाल शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी लो था। हाँ कुणाल तेरा क्वेश्चन तेरा आवाज सुनाई नहीं दिया बराबर। कुणाल नहीं कुणाल कुणाल कैन यू रिपीट आवाज आवाज उदाहरण अगर हम समझ सकते हैं कि कुछ महापुरुष जिन्होंने सगुण भक्ति से ईश्वर प्राप्ति की और कुछ ऐसे उदाहरण जिन्होंने निर्गुण भक्ति से ईश्वर प्राप्ति की। एग्जांपल्स मेजॉरिटी आर सगुण भक्ति आप सबसे पहला उदाहरण दूंगा मैं श्रीमद् वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग श्रीनाथ जी के जो भी सब ये है साधक है सब प्रेम लक्षणा भक्ति द्वैत्यवाद मैं और मेरे ईश्वर अलग है ये सब सगुण भक्ति। आप नरसिंह मेहता ले लो मीरा ले लो यहाँ पर तुकाराम ले लो सब लोग हैं सगुण भक्ति की है। जितने भी हमारे संत हो गए वो सब ने सगुण भक्ति की। निर्गुण के मार्ग पर मुझे एक ही जबरदस्त संत दिखता है आद्य शंकराचार्य जो केरल में हो गए। उन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अद्वैत यानी मैं और ईश्वर द्वैत नहीं अद्वैत हम दोनों अलग नहीं हम एक ही है। ये फक्त भास होता है सिर्फ हमें लगता है कि ये ऐसा है। एक आपको उदाहरण देता हूं तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखिए आप। आई डोंट नो वेदर आई हैव टोल्ड यू ऑल और नॉट एक घड़ा होता है घट घट जिसे कहते हैं जिसमें पानी भरते हैं मटका ले लो घड़ा ले लो वो खाली है। वो मटके के अंदर क्या है अगर उसमें पानी या कुछ भी नहीं खाली नहीं है तो हम कहेंगे उसके अंदर वैक्यूम है अवकाश है कुछ भी नहीं खाली। घड़े के अंदर जो आकाश है उसे कहते हैं घटाकाश। घड़े के अंदर का घट के अंदर का आकाश उसको घटाकाश कहते हैं। और घड़े के बाहर क्या है यहाँ पर घड़ा रखा है बाहर भी तो आकाश ही है। व्हाट डू यू मीन बाय रूम लोग रूम में बैठे रूम यानी कुछ नहीं जगह स्पेस खाली पर इसे रूम कहते हैं। तो घड़ा रखा है वो बाहर भी तो रूम है बाहर भी आकाश है घड़े के अंदर भी आकाश। अंदर के आकाश को घटाकाश कहते हैं बाहर के आकाश को चिदाकाश कहते हैं। अभी सोचिए ये घड़े को हम तोड़ डालते घड़ा अगर टूट गया तो अब क्या है कहां गया घटाकाश रहा ही नहीं। घटाकाश चिताकाश में विलीन हो गया वो दोनों एक ही थे लेकिन बीच में घड़ा आ गया तो हमें ऐसा भास हुआ कि ये दोनों अलग अलग है बाहर का आकाश अलग है घड़े के अंदर का आकाश अलग है ऐसा भास हुआ। लेकिन जब घड़ा टूट गया तो दोनों एक ही थे ये हमें पता चला। ठीक ऐसी ही बात है ये जो हमारा शरीर है वो घड़े की तरह है। शरीर के अंदर जो चैतन्य है आत्मा बाहर भी सारे ब्रह्मांड में आत्मा है चैतन्य परमात्मा है। जिस दिन ये शरीर नष्ट हुआ उस दिन क्या हुआ उस दिन परम तत्व और आत्म तत्व दोनों का मिलन हो गया। और जो तात्विक दृष्टि से देखता है तत्व ज्ञानी हो गया था वो दोनों अलग है ही नहीं। ये शरीर के कारण दोनों अलग भास होते हैं ये जो शरीर है इसके अंदर एक आत्मा है और परमात्मा है असल में वो दोनों एक ही है आकाश की तरह। जैसे ही घड़ा टूटेगा जैसे ही शरीर टूटेगा दोनों और आत्मा हमें एक ही भास होगा। शरीर का आवरण बीच में आ गया जैसे घड़ा बीच में आ गया तो दोनों आकाश अलग हो गए ये अद्वैतवाद। और ये प्रतिपादित किया आद्य शंकराचार्य ये यहाँ पर बहुत कम हो गए बिकॉज दुष्कर है बहुत ही डिफिकल्ट है जबरदस्त वैराग्य चाहिए आपको इसके लिए। इंद्रिया बीच में आई तो आप निर्गुण के ऊपर चल ही नहीं सकते। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था 10 वर्ष का बालक 10 वर्ष का बालक संन्यास लेता है सोचो किसी ने कहा नहीं था उसे ना माँ बाप ने ना गुरु ने स्वयं वो किस कक्षा का वैराग्य होगा वो बालक के अंदर। और फिर अपने आप आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ते
और सिर्फ 32 साल की आयु में तो चार मठ पूरे भारत का भ्रमण करके इतने लोगों को वाद विवाद में हरा के, चर्चा में हरा के चार मठों की स्थापना भी कर दी थी। तो इस प्रकार ज्ञानेश्वर भी थोड़े बहुत ये मार्ग पे हम कह सकते हैं कि तीव्र वैराग्य था। आज माता पिता ने आत्महत्या की, अगर कोई अनाथ बच्चा है हमारा, उसका जीवन कैसा होगा? सोचिए, हम कहेंगे कि माता पिता नहीं हो गए तो वो असंस्कारी होगा क्योंकि अनाथ है। बट यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जब माता पिता गुजर गए तो चारों बच्चे संत हुए, चारों बच्चे संत, निवृत्तिनाथ, सोपान, ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई। ये कुछ अगले जन्म का वो लेकर आए थे। तो चार अनाथ बालक संत हुए, कहाँ से ये वैराग्य उनके अंदर आए, कहाँ से ये ज्ञान उनके अंदर आए? एक 14-15 साल के बालक को भगवत गीता आकर्षित करती है। हमारे बच्चों को देखिए, ज्यादातर बच्चों को इस आयु में केवल उछल कूद मस्ती है। तो ये सब निर्गुण के मार्ग पर चले हुए कुछ हमारे यहाँ हुए सब। और भारत की ये विशिष्टता है, 6 साल का ध्रुव, 8 साल का प्रहलाद इतनी छोटी आयु में भी भक्त हुए हैं, इतनी छोटी आयु में भी भक्त हुए हैं भारत के अंदर। सही में भारत में जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है, दुर्लभम भारत है जन्म। जो इस विषय से आगे बढ़े, अगर कोई आपका प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो हम 6वें श्लोक के ऊपर गति करते हैं। रिस्क डिटेक्टर कुणाल, हेलो, कोई क्वेश्चन कर रहा है, किसी का आवाज अटक रहा है। हाँ, दैट ओनली आई कांट हियर। नहीं नहीं विजल, मैं यही बोल रहा था, ज्ञानेश्वर माउली ने इतने यंग एज में जीवंत समाधि लिया, सो दैट इज द ओनली एग्जांपल वी हैव, राइट? नहीं, फॉर व्हाट? नहीं नहीं, जीवंत समाधि लिया जो ज्ञानेश्वर माउली ने, संजीवनी समाधि। आज भी बोलते हैं कि वो अंदर जिंदा है, आज भी। मैं दो से तीन बार गया हूँ आनंदी, या उस स्थान पे नमस्कार भी किया, करेक्ट, जहाँ से वो अंदर गए थे समाधि। एनीवेज, तो आगे बढ़े दूसरे श्लोक के ऊपर। Bijal, tell me about Sai Baba. Sai Baba nirgun ne, bas unhone to bhagwan ki upasna ki, unhone bhi kaun se bhagwan ki upasna, ek sant ho gaye, nahi nahi, but kaun se bhagwan ki upasna, unhone vishisht na hindu na muslim, ha keval wo ek jo param tatva tha, ha उसके विषय में वो बात करते थे। तो दैट इज भगवान की उपासना उन्होंने नहीं की। कौन से उपासक हुए तो फिर वो भी निर्गुण में आप ले सकते हो। हाँ, that's what I'm telling you. उसको भी निर्गुण में ले सकते हो। उन्होंने तो तत्व की उपासना की, जो एक शक्ति है। हाँ, he didn't had any idol in his mind. उसकी उपासना की उन्होंने। नहीं नहीं, but वो राम को मानते थे। या definitely राम को। नहीं नहीं, but उपासना उन्होंने राम भगवान की नहीं की है। नहीं, उपासना कम मुझे पता नहीं है, बट ही इज टू बिलीव इन राम, दैट्स राइट, स्टिल निर्गुण भक्ति की वो कोई एक धार है। बिजल, पांडुरंग शास्त्री आठवले एना तो कितना फॉलोअर्स था, एना कितना बड़ा उनके कितने फॉलोअर्स थे। हाँ, बट उनका भी सगुण भक्ति, उनका भी श्री कृष्ण के ऊपर भक्ति। अच्छा। सगुण निर्गुण, सी जो तत्व को समझ गया ना, उसको ये दोनों भेद मिट जाएगा। अंत में भगवान कहते हैं दोनों मैं ही हूँ। I think that निर्गुण भक्ति से आओ, ये मार्ग से, या सगुण। साई बाबा इज अनदर एग्जांपल ऑफ निर्गुण भक्ति। क्या अल्टीमेट, हाँ, कि अल्टीमेटली तो आप मुझे ही प्राप्त कर रहे हो, यहाँ से आओ कि यहाँ से आओ, आपकी रुचि और आपकी क्षमता, ये दो वर्ड समझिए, आपकी रुचि और आपकी क्षमता, यह होना चाहिए। perfect, जो perfect. जो आपको सुगम लगता है वो मार्ग आप अपना मार्ग आप निश्चित कर।
ये हिंदू धर्म की विशिष्टता है, फुल फ्रीडम दिया है, कैसे भी उपासना करो मेरे तक आ, तुझे खाते खाते आना है तो खाते खाते आ, उपवास करके आना है तो उपवास करके क्या, मेरे तक आ, बस यही इम्पोर्टेंट है। और कितनी सही बात है ना, मैया वेश मनो ये माँ, मन के अंदर ईश्वर होने चाहिए, बाकी सब व्यर्थ है। तो उपवास करके भी अगर पूरा दिन भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है तो वो उपवास का अर्थ ही नहीं है। और भले ही मैं दोनों टाइम खा रहा हूँ लेकिन 24 घंटे ईश्वर का स्मरण है तो मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। हमारे भक्तों ने कभी उपवास किया मुझे पूछना है, मुझे देखना पड़ेगा कहीं पुराणों में। तुकाराम जी महाराज रखते थे उपवास एकादशी का, पता नहीं है मीराबाई रखती थी क्या उपवास, कौन से व्रत किए उन्होंने, क्योंकि वो भगवान को प्रेम करते थे, वो भगवान के पास स्वार्थ से नहीं जाते थे। हम लोग स्वार्थ से जाते हैं ना या भय से जाते हैं, उनके लिए ये उस दोनों से ऊपर हो गए। इतना विलक्षण प्रेम था, ना भय था ना उनसे स्वार्थ था, एक रूपता थी, बस उनके अंदर उनका चाहिए था, उनके साथ ही चाहिए था, ईश्वर से नजदीक रहना था उनको। तो आगे बढ़े हम विजय, एक सगुण भक्ति का एक उदाहरण देता हूँ। ये उडुपी में जो एक कृष्ण भगवान का मंदिर है, आई डोंट नो अगर आपको में से कोई जाके आए वहां पे, तो उधर बोलता है एक भक्त था कनकदास, कनकदास उसको अंदर आने नहीं देते थे। हाँ, तो उसको आने नहीं देते थे बिकॉज ऑफ दैट कास्ट एंड ऑल। तो वो उसने फिर एक परमिशन मांगा कि मुझे सिर्फ विंडो में से भगवान का दर्शन करने दो। तो आपको पता है वो विंडो में से जो दर्शन करता था तो मूर्ति ने अपनी गर्दन घुमाई है वो विंडो की तरफ उनको दर्शन देने के लिए। अरे वैसी मूर्ति है अभी वो विंडो की तरफ, इंडिया इज फुल या कनकदास बराबर या इंडिया इज फुल ऑफ सच थिंग, फुल ऑफ सच करेक्ट इंसिडेंट। आज या प्लीज गो अहेड, तो आगे बढ़े या छठे श्लोक के ऊपर गति करते हैं हम। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनयः। हमको बोलना है, आई कांट हियर विजल, शुड आई प्ले द श्लोक वंस? हाँ प्ले प्ले, यस प्लीज प्ले, प्लीज प्ले। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसा ये तु सर। ये छठे और सातवें श्लोक, श्लोक के ऊपर हम शुरुआत करते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, ये तु सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि यानी सर्व सभी कर्म, तेरे जो सभी कर्म है मत्पर होके मुझे अर्पण कर। सन्न्यस्य, सन्न्यस्य यानी अर्पण कर, छोड़ देना, त्याग करना। जब हम किसी को अर्पण करते हैं कुछ तब उसका हम त्याग करते हैं, जब अर्पण होता है तब त्याग हो जाता है। भगवान को हम पुष्पार्पण करते हैं, क्या हुआ उसमें, जो मेरे पास पुष्प थे उसका त्याग करके हमने भगवान को दिया। तो सन्यास या सन्यास लेना यानी क्या है, त्याग करना या अर्पण कर देना है। नेगेटिवली सोचे तो हमने संसार का त्याग किया, वो सन्यास, और पॉजिटिवली देखे तो ये जीवन ईश्वर को अर्पण कर दिया। एक ही बात है ना, त्याग और अर्पण। संसार से मैंने मेरे शरीर को लेके ईश्वर को अर्पण कर दिया, ये
पॉजिटिव, कल से मेरे जीवन का ध्येय केवल ईश्वर है, केवल ईश्वर का काम मैं करूंगा, मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार में केवल ईश्वर होगा और ये जो शरीर है वो भक्ति का एक साधन मात्र रह जाएगा। और सही बात, भगवान ने कहा है कि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है उसका इंपॉर्टेंस समझिए आप, मनुष्य जन्म के अलावा अन्य किसी भी योनि में 84,84,00,000 योनि, एक भी योनि में संभावना नहीं है कि मोक्ष प्राप्त हो, सिर्फ फक्त ह्यूमन देह में ही यह संभावना है कि हम मोक्ष प्राप्त कर सके, ये समझ ही नहीं है अन्य किसी जीव, इतना इंपॉर्टेंट है ये मनुष्य देह। इसीलिए वेदों के सभी महावाक्य यही कहते हैं कि तेरी अल्टीमेट गति, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य का अल्टीमेट अचीवमेंट क्या है। सभी कहते हैं गाड़ी बंगला फैक्ट्री ये वो, ये सब मेरे जीवन के टारगेट्स है, अचीवमेंट्स है। कोई तत्वज्ञानी होगा वो हंसेगा, इससे ऊपर उठ, इससे ऊपर सोच, तू मनुष्य है। इतना सुंदर श्लोक कहा है हमारे, ना हम पशु हूं ना हम पक्षी ही, अहम मनुष्य। इतनी प्राइड हमारे अंदर जनरेट होती है जब हम ये सुनते हैं या समझते हैं कि मैं पशु भी नहीं हूं, मैं पक्षी भी नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। इतनी बड़ी बात है, इसके ऊपर हमने विचार ही नहीं किया कि हम चिड़िया या कबूतर नहीं है, मैं इंसान हूं, मैं आदमी हूं। मैं अंतर समझो, पशु पक्षी और मनुष्य में अंतर क्या है, हमारे जैसी बुद्धि, हमारे जैसी, हमारे जैसा मन किसी के पास नहीं है। भले शरीर में शक्ति ना हो लेकिन हमारी बुद्धि शक्ति से, हमारी इच्छा शक्ति से, मन जो इच्छा शक्ति करता है उससे हमने बड़े बड़े महाकाय जानवरों को भी हराया, हाथी शेर ये सब मनुष्य के आगे कुछ भी नहीं है, सबको हरा दिया मनुष्य। व्हाई? बिकॉज वी हैड ऑर्गेनाइजिंग पावर, हमारे बुद्धि के अंदर एक क्षमता थी क्या, एकजुट होना, तो ऑर्गेनाइज मिलकर करना, बड़े बड़े वुली मैमथ हाथी से भी बड़े थे, एक मनुष्य उसको मार नहीं सकता था लेकिन 50 एकत्रित हो गए और मिलके मारा। ये जो ऑर्गेनाइजिंग पावर था ह्यूमन बीइंग्स का, उसने प्रगति की एंड वी कुड सर्वाइव ऑन दिस अर्थ बिकॉज ऑफ दिस। मिलकर जब हमने किया तो हम सबसे ऊपर हो गए, हमारी इच्छा शक्ति थी, मन के अंदर इच्छा थी, जबरदस्त इच्छा आकांक्षा थी कि वी वांट टू एक्सेल, वी वांट टू सर्वाइव, और मनुष्य ने वो करके दिखाया। तो ये जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ये जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है उसका ध्येय क्या है, वेदों ने कहा मनुष्य का परम पुरुषार्थ है मोक्ष प्राप्ति, परम पुरुषार्थ, इससे बड़ा तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये समझने के लिए हमें वेद का अभ्यास करना पड़ेगा या वेदांत भगवद गीता उसका अभ्यास करना पड़ेगा, जो हमारी सोच यहाँ है इधर से यहाँ ले जाएगी। आपकी सोच कहाँ पर है, आपके शरीर तक ही है, गाड़ी बंगला ज्वेलरी ये सब क्या है, ये मेरे शरीर की रिक्वायरमेंट है। शरीर की जो रिक्वायरमेंट थी हमारे शास्त्रों ने उसे सबसे नीचे रखा, शरीर तेरा शूद्र है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। शरीर की क्या रिक्वायरमेंट थी, पानी पीना, तो जो कुंभार घड़ा बनाता है शूद्र। शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है, चप्पल पहनना, तो जो मोची चप्पल बनाता है शूद्र, कपड़े बनाता है शूद्र, सब शरीर के रिक्वायरमेंट। उसके ऊपर किसको रखा, ये सब रिक्वायरमेंट लोगों तक जो लेके जाता है वो बनिया वैश्य, वाणिज्य के ऊपर से ये आया वैश्य आया, ये जो ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग कम्युनिटी, किसान भी उसमें आ जाता है, ये नीचे के दो वर्ग में। क्यों, ये सब शारीरिक रिक्वायरमेंट पूर्ण करते हैं और शारीरिक रिक्वायरमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, प्राप्त हो जाती है। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कोई भी कमाने नहीं जाता है फिर भी संपूर्ण जीवन जीते हैं अपने। क्यों, मदर अर्थ प्रोवाइड,
प्रकृति देती है, पृथ्वी देती है, उन्हें सिर्फ घूमना होता है, उन्हें सिर्फ प्रयास करना होता है। हमें ऑफिस, क्योंकि मीडियम एक बीच में आ गया, मनी, पेड़ पे से डायरेक्ट आम तोड़ के भी हम खा सकते हैं, मनी नॉट रिक्वायर्ड, बट हमने शहर उत्पन्न किए जहां पर ये हो ही नहीं सकता, इसके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज आया, इसके लिए मिडल मैन आए, ट्रेड आया उसके लिए। तो ये दो नीचे, उसके ऊपर रखा क्षत्रिय को। क्षत्रिय क्या प्रोवाइड करता है? क्षत्रिय यानी आज के युग में देखे तो हम पुलिस और आर्मी, व्हाट डू दे प्रोवाइड? दे प्रोवाइड आवर फ्रीडम। फ्रीडम इज मोर इंपॉर्टेंट देन बॉडीली रिक्वायरमेंट्स। जब एक पिंजरे के अंदर पक्षी को देखता हूं कि पंख भी फड़फड़ाए तो पिंजरे को छूती है, इतनी कम जगह में ये पक्षी सारा जीवन कैसे जिएगा? एक दिन मनुष्य को बाथरूम में लॉक कर देना चाहिए, बाथरूम से बाहर ही नहीं आने का, रह के दिखा, फिर पता चलता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम। ब्रिटिश के टाइम पे भारत में लोगों को खाने को नहीं मिलता था, मिलता था, प्रगति भी कर रहे थे, तो क्यों इतने हजारों सत्याग्रहियों ने जान दी? इतने यंग लोगों, भगत सिंह ले लो, कितने सारे यहाँ पर, चंद्रशेखर आजाद, वासुदेव बळवंत फड़के, इतने सारे नाम मैं दे सकता हूँ, चार बंधु, बालकृष्ण, वासुदेव, दामोदर चापेकर, क्यों जान दी इन लोगों ने? मनुष्य की प्राइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोले वैसा मुझे करना है, मुझे उसका आधिपत्य सहन करना है, नहीं होता है। जान दू दे दूंगा लेकिन उसका गुलाम नहीं बनूंगा। स्लेवरी मनुष्य से नहीं होती है। फ्रीडम की इतनी बड़ी वैल्यू है, इसके लिए बॉडीली रिक्वायरमेंट के ऊपर क्षत्रिय को रखा और उसके ऊपर ब्राह्मण। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट नीड हमारी, मैं कौन हूं ये समझ, ज्ञान, ज्ञान के बिना मैं पशु हूं। अगर मेरे अंदर बुद्धि नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, तो आज मैं जानवर जैसा होता। तो ये जो ज्ञान प्रदान करता है, जो मुझे ईश्वर की समझ देता है, जो शिक्षा देता है, ये सब जो बातें करता है, मुझे मैं कौन हूं ये समझ देता है, मेरे अंदर की अस्मिता जागृत करता है, वो जो ज्ञान है, वो जो प्रदान करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान ने ही मनुष्य को यहां तक लेके गया है। इस प्रकार बेस्ड ऑन द नीड्स हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई थी। तो उसमें कोई छोटा या बड़ा ये नहीं था, सिर्फ उनकी क्षमता के मुताबिक उनको कहा गया था कि आप विद्वान हो तो आप ये काम करो, आप में अंदर छात्रवृत्ति है, मसल पे मसल पावर, तो आप ये काम करो। ऐसे समाज का विभाजन हुआ था, लेकिन जब उसमें व्यक्ति को हम ऊपर नीचे समझने लगे, वो जो हॉरिजॉन्टल विभाजन था उसको हमने वर्टिकल विभाजन बना दिया, ये ऊपर नीचे, ये उससे नीचे। उसके कारण समाज के अंदर एक कास्ट सिस्टम आ गई और सभी दुर्गुण आ गए, बहुत अत्याचार हुए शूद्रों के ऊपर, नहीं होना चाहिए था, वो भी मनुष्य, वो भी एक इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर है। दो या दिन बीएमसी अगर कचरा दो या तीन दिन ना उठाए तो हमारी हालत देखिए, और उसे हम कचरे वाला कहते हैं। कचरे वाले तो हम कचरा करते हैं, वो तो स्वच्छ करता है उसको, वी शुड बी कचरे वाले, तो हम उनको कचरे वाले कहते हैं, जो कचरा साफ करता है उसको, कचरा करते हैं हम, स्वच्छ वो करते हैं, और फिर भी उनको कचरा वाला। ये सब विपरीत जब दिखाई देता है तो समझ लो कि कलयुग है। जो चार लोगों को चीट कर करोड़पति बने उसे हम सेठ कहते हैं। सेठ शब्द किसके ऊपर से आया? श्रेष्ठ के ऊपर से आया। वो श्रेष्ठ है, जरा उसका जीवन देखो आप, श्रेष्ठ तरीके से ऊपर आया है, फिर भी वो बड़ा, वी फॉलो हिम, वो जैसा करेगा हम करेंगे। ये कलयुग के निशान। दूसरे युग में जो त्याग करता था वो महान, राम महान। आज भी राम के नाम के ऊपर लोग खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि राम त्याग मूर्ति थे। त्याग करना डिफिकल्ट है,
भोगना आसान है, जो त्याग करता है वो महान। आज उल्टा हो गया है, जो भोग करता है ज्यादा वो महान। ये कलयुग की निशानी है, ये जो विपरीत है, जो उल्टा है उसको हम सही मानने लगे हैं, ये कलयुग है। तो इस प्रकार हमारे जो कर्म है वो सभी अर्पण कर, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परायण होके, मत्परायण परायण होना यानी ईश्वर को स्वामी समझकर, यू आर माय लॉर्ड, ईश्वर को स्वामी समझकर मन बुद्धि अहंकार उनको अर्पण करना, वो मत्परायण होना उसे कहते हैं। हम केवल स्वार्थ से और थोड़े बहुत भय से ईश्वर की पूजा करते हैं, क्यों कि हमें आयुष्य प्राप्त हो, हमें बुद्धि प्राप्त हो, सुख शांति प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, कामना से हम ईश्वर के प्रति जाते हैं। कभी भी टोटल सरेंडर हम नहीं है, अगर जिस दिन टोटल सरेंडर हो गया है उस दिन हमारा जीवन ही बदल जाएगा, आप ये सभी से ऊपर हो जाओगे। तो मत्परायण कौन है, जो टोटली समर्पित है ईश्वर को, उसे मत्परायण कि तेरे सर्व कर्म मुझे अर्पण कर दे। हमने कितने कर्म ईश्वर को अर्पण किए, शून्य। आज भी क्यों बैठे हैं यहाँ पे, स्वयं ज्ञान प्राप्त करने को बैठे हैं, किसी अन्य को देने के लिए नहीं, ये ज्ञान हमें स्वयं प्राप्त करना है, स्वयं के लिए बैठे हैं। तो अन्य के लिए कोई कर्म नहीं है, सभी कर्म सुबह से उठे तब तक सोए तक हम स्वयं के लिए ही कर रहे हैं, ईश्वर के लिए तो आया ही नहीं। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म के बहुत सारे विभाजन हो सकते हैं, उसमें से दो हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तीन प्रकार के पहले सिंपल, स्व यानी मैं, मेरे लिए जो मैं कर्म करता हूं वो स्व के लिए, स्व के अर्थ यानी रीजन, स्व के लिए करता हूं मैं, स्व के अर्थ के लिए करता हूं यानी स्वार्थी। स्वार्थी आज तो गाली लगती है, बीइंग सेल्फिश, बट अब इन अ प्योर टर्म्स आप ले तो गलत है ही नहीं। मेरे लिए जो मैं करता हूं वो स्वार्थी कर, गलत कब होगा, उसके अलावा यदि हम कुछ भी ना करें वो गलत है, वो गलत है, वो जीवन गलत है, वो सही जीवन नहीं है। मैं मनुष्य हूं, मुझमें यह समझ है कि दूसरे के लिए करना चाहिए, अने कोई भी जीव, एक जीव आप कुछ कौन सा भी पशु पक्षी ले लो, दूसरे के लिए कुछ नहीं करते, समझ ही नहीं है उसे। हमारे अंदर भगवान ने समझ दी है, मैंने किया क्या उससे। तो स्व के लिए कर्म करना वो गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ खुद के लिए ही करना, जीवन जीना, वो गलत है। अच्छा, मुझे पढ़ाई लिखाई करना है, मुझे काम धंधा करके मेरे पैरों पे खड़ा रहना, ये अनिवार्य है, ये मेरा धर्म है, धर्म यानी ड्यूटी। मैं नहीं करूंगा तो मैं दूसरों पे निर्भर रहूंगा तो मेरा जीवन तेजस्वी नहीं होगा, परावलंबी होगा, स्वावलंबी जीवन नहीं होगा। स्व पे अवलंबित होने चाहिए हम, पर यानी दूसरे के ऊपर नहीं। तो एक हो गया स्वार्थी कर्म जो हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहां पे स्टॉप नहीं होना है। स्व के बाद दूसरा आता है पर यानी दूसरा, अन्य, अन्य के लिए। हफ्ते में 6 दिन में मेरे लिए काम कर रहा हूँ, 7 दिन मेरे लिए कर रहा हूँ, उसमें से थोड़ा वक्त दूसरों के लिए भी देना चाहिए। आज ये लॉकडाउन में अविरत दो क्रियाएं हो रही है मेरे द्वारा, हफ्ते में 2 दिन ये हम गीता सत्संग करते हैं, उसके अलावा मेरा खुद का वांचन लेखन, और दूसरी तरफ इतने सारे स्लम्स एरिया में जाके हम गरीबों को फूड ग्रेन्स बांट रहे हैं। आज 225 फैमिली को हम देकर आए, ये समय का सदुपयोग है। ऐसा समय हमें जब नॉर्मल टाइम्स होता है उसमें ये करने के लिए ऐसा समय प्राप्त नहीं होता, तो जब भी समय मिले उसका सदुपयोग होना चाहिए। ये परार्थी कर्म है, दूसरों के लिए जो हम कर्म करते हैं वो परार्थी कर्म, स्व के लिए, पर के लिए, दूसरों के लिए, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट परम के लिए। परम यानी ईश्वर, वो परमार्थ है, स्वार्थ परार्थ परमार्थ। तो ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए क्या कर्म करें हम, जिस भी कर्म के पीछे की प्रेरणा और उसमें ईश्वर है तो वो परमार्थ हुआ। बहुत अंश तक हम जो अभी कर रहे हैं ये भी परमार्थ कार्य है, क्यों, ईश्वर है इसमें।
जो भी कार्य में ईश्वर है वो परमार्थ कार्य हो जाता है। आपने 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठाई, वो परमार्थिक कार्य है, किसी की सेवा के लिए नहीं बिठाई दिया, ईश्वर के लिए बिठाई, भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचे उसके लिए बिठाई। आज हमने अनाज वितरण किया, फूड ग्रेन्स दिए, ईश्वर के लिए नहीं, वो लोगों के लिए हमने किया, वो परार्थिक कार्य था। कल सुबह आप हम सब ऑफिस जाएंगे, वो स्वार्थिक कार्य होगा स्व के लिए, बट जहां पर भी ईश्वर है, यदि हम कुछ भी करें और उसके पीछे भगवान तेरे लिए हम कर रहे हैं, तो ये परमार्थिक कार्य हो गया। तो 3 प्रकार के कर्म, स्व, पर और परम, स्वार्थी, परार्थी और परमार्थी कर्म, ये सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर। ये कब होता है? संभव है हमारे सभी कर्म उसके पीछे का भाव जब बदलेगा तभी यह संभव है। हमारा भाव क्या है? मैं ये हूं, ये ऑफिस मेरी है, ये फ्लैट मेरा है, ये परिवार मेरा है। ये भाव जब तक हमारे अंदर है तब तक मेरे सभी कर्म, ये शरीर के द्वारा हो रहे कर्म, शरीर साधन है कर्म करने, शरीर के अलावा आप कर्म नहीं कर सकते। मन बुद्धि भी शरीर ही है। हम लोग ये जो कर्म करते हैं, सोते वक्त प्रार्थना एक बोलता है, मुझे पता नहीं आप सबको पता है कि नहीं, कर चरक कर चरण कृतम ज वाक काया कर्म जम वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमे तत् क्षमस्व। जय 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 करुणाप्ते श्री महादेव शंभु। इतने प्रकार से कर्म होते हैं, अलग अलग प्रकार बताए। ये सभी प्रकार से कर्म करते वक्त यदि कोई मुझसे त्रुटि हुई है, मुझे क्षमा करो, है शिव शंकर भगवान। इस प्रकार का ये श्लोक, ये जितना भी मैं बोल के गया वो सभी आंखों से कर्म होता है, वाणी से कर्म होता है, मन से कर्म होता है, वा मानस वा अपराधम। यदि मन से अपराध हुआ मुझसे, जय 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 करुणाप्ते श्री महादेव सर्वमेतत् क्षमस्व, सब कुछ क्षमा करो मेरा। ये सोते वक्त हम ये प्रार्थना करते हैं कि सारे दिन में मुझसे जो मन वाणी चित्त कर्म मियां से मार्केट गए, बाहर गए, ऑफिस गए, हमारे पैर के नीचे, हमारी गाड़ी के नीचे कितने जीव मर गए होंगे, कभी कल्पना भी नहीं होती हमें, क्योंकि वो दिखता नहीं है। संभव है कितने छोटे चीटी मकोड़े मर गए होंगे हमारे हाथ। ये सभी के लिए ईश्वर मुझे क्षमा कर। विहितम विहितम वा, विहित यानी जानकर, विहितम वा यानी अनजाने में, गाड़ी के नीचे कितने जंतु आ गए पता ही नहीं, अनजाने में मुझसे ये हो गया। ये सभी मेरे कर्म जाने अनजाने, ये सभी को क्षमा कर, करुणा आप दे महादेव शंभो। आप भगवान के अंदर करुणा है, वो क्षमा करते हैं क्योंकि हम उनके संतान हैं। माता पिता संतान के सभी उनके ये क्षमा करते ही, अपराध क्षमा करते ही, इतना विशाल हृदय होता है बच्चों के लिए हमारा। पर रामायण में हमने ये सुना था, पुत्र को पुत्र क्वदि क्वचिदपि माता को माता न भवति, पुत्र को पुत्र कभी कभी हो सकता है लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकता। माँ बाप को क्षमा करना ही पड़ता है अपने संतानों, अपना ही अंश है, हमारा ही बच्चे है। इसी प्रकार हम भी ईश्वर के ही संतान है, भगवान के ही बच्चे हैं हम, तो हमें भगवान क्षमा नहीं करेगा तो किसके पास हम क्षमा मांगेंगे। जय 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 करुणा आपते श्री महादेव सर्वमे तत् क्षमस्व, मेरे सभी अपराध क्षमा करो। तो इस प्रकार ये इतने सारे कर्म हमारे होते हैं। आंखों से देखने का कर्म होता है, वाणी से बोलने का कर्म होता है, मन से इच्छा का कर्म होता है, बुद्धि से निर्णय का कर्म होता है। तो ये सभी कर्म ईश्वर को समर्पित, मई सन्यस्य मत परा, ये कभी हम समर्पित कर सकते हैं? हमारा मन जो करता है, आंखें जो करती है, वाणी जो करती है, हाथ पैर जो करता है, उस सभी तभी होगा कि जब हमारे मन के अंदर स्थिर हो गया कि ये सारा देह मैं स्वयं ईश्वर के लिए ही हूँ। तुकामणे देह धरिला विट
चल, तुकाराम के मन में स्थिर हो गया था ये मेरा सारा जीवन है वो भगवान का है, विठल का है। तो उनके मन वाणी बुद्धि सब कुछ समर्पित था। उससे जो लौकिक कर्म कर होते थे, लोगों को लगता था कि ये लौकिक सांसारिक कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे तो ईश्वर ही करा रहे हैं। फिर हम अपने स्वयं को निमित्त समझने लगते हैं। मुझसे जो भी कर्म हो रहा है भगवान तू करा रहा है, मैं कहाँ कर रहा हूँ? मेरा और मन और बुद्धि तो कब के तेरे चरणों में धर दिए, मैं रहा ही नहीं। अब जो भी कर्म हो रहा है, जो भी प्रेरणा हो रही है, वो सिर्फ तू है, मैं निमित्त मात्र हूं, मैं कुछ भी नहीं करता। ये स्टेट ऑफ माइंड आता है जब, तब हम जो भी कर्म करते हैं वो मई सन्यस्य मत्परा, मत्परायण होके सभी तेरे कर्म, ये तू सर्वाणि कर्माणि, तू जितने भी कर्म कर रहा है सभी मुझे समर्पित कर। जब तक मन में भाव में ईश्वर स्थापित नहीं होता है तब तक यह संभव नहीं है। तब तक हम हमारे लिए ही कर्म करते रहेंगे। बट एक बार मैं निकल गया और उसके स्थान पे ईश्वर आ गया मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, उसके बाद ये शरीर से जो भी कर्म हो रहे हैं, भले ही हम हमारा रेगुलर कर्म कर रहे हैं, भले ही हम खाना पका रहे हैं, भले ही ऑफिस जा रहे हैं, बट फिर वो जो भी इधर मेरे से कर्म हो रहा है वो सब ईश्वर करा रहा है। मई सर्वस्व, तब मुझसे मुझको अर्पण हुआ कर्म हो जाएगा। कितना इतना डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। हम तो पूरे ही संसार में डूबे हुए, ये माइंड में खाली मटेरियलिस्टिक एम्स और गोल्स है, खाली अहंकार है कि मुझे प्रसिद्धि मिले, मुझे नाम मिले, काम मैंने किया और नाम दूसरा ले गया। तो काम क्यों कर रहे थे हम? नाम के लिए कर रहे थे कि काम के लिए काम कर रहे? हमारा ध्येय क्या था? What was our aim? इसका फल प्राप्त हो काम का कि उसकी प्रसिद्धि प्राप्त हो? उल्टा हो रहा है पूरा। जो अच्छा कर्म करता था उसे प्रसिद्धि प्राप्त होती थी। संसार का नियम है, कर्म का नियम है, कर्म करो आपको फल निश्चित मिलेगा। अच्छा कर्म किया अच्छा फल निश्चित प्राप्त होगा। इसी तरह अच्छा कर्म किया तो आपको प्रसिद्धि उसका फल है, आपको नाम ना मिलेगी, कीर्ति प्राप्त होगी आप। लेकिन आज संसार में क्या हुआ है? मुझे कीर्ति चाहिए, मुझे नाम ना चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, इसके लिए मैं अच्छे काम कर रहा हूं। घोड़ा गाड़ी को नहीं खींच रहा है, गाड़ी घोड़े को खींच रही है। द कार्ट इज ड्राइविंग द हॉर्स, हॉर्स इज नॉट ड्राइविंग द कार्ट। अच्छे कर्म हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। कीर्ति प्राप्त हो ना हो ये अलग बात है, बट ये कल युग है, उल्टा चल रहा है। वी वॉन्ट नेम, वी वॉन्ट फेम, इसके लिए आज कोई भी कला हमें सीखनी है। क्यों सीखनी है? छोटे बच्चे को सिखाते हैं हम, ये सीख वो सीख वो सीख। अपने आप को पूछो, सुर की कितनी सुंदर डेफिनेशन है, वो फिर कभी देंगे। आज 10:30 बज गए हम, याद करके उसके डेफिनेशन सुनेंगे। ये हमारे आत्मसंतोष के लिए हमें सीखना चाहिए, प्रसिद्धि के लिए, पैसों के लिए नहीं, वो आदर्श इज आइडियल। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मई सन्यस्य मत्परा, तेरे सभी कर्म मुझे अर्पण करके मत्परायण हो जा। ये अर्जुन को कह रहे हैं भगवान। ये कब होगा? ये वापस सगुण भक्ति पे हम आ रहे हैं कि कर्म मुझे अर्पण, कर्म ईश्वर को अर्पण करना है। उसका अर्थ है मेरे कर्म मुझे ईश्वर, यानी ईश्वर अलग है मैं अलग हूं, तभी तो मेरे कर्म मैं उसको अर्पण कर सकता हूँ। ये सगुण भक्ति हो गई। वापस सगुण भक्ति का उनको समझा रहे हैं, यहाँ तक निर्गुण भक्ति समझा रहे थे, अभी सगुण भक्ति का भगवान ने समझाया उसे। तो आज 10:30 बज गए हैं, तो जो दूसरा पाठ है अनन्य नैव योगेन माध्यायंत उपासते, वो अगले मंगलवार को हम देखेंगे। आज के लिए कुछ प्रश्न होगा तो वी कैन अनम्यूट। विजल, आज के जो उत्तरार्ध के ऊपर हमने चर्चा की, हेलो, वेयर इज कुणाल? प्रवीण वाज आस्किंग समथिंग ना। हाँ हाँ, विजल, उपवास जो हम लोग रखते हैं भगवान के लिए,
So what would be that? उपवास उप यानी नजदीक भगवान के नजदीक रहना वो उपवास है फिर तुम खा के रहे या भूखे बैठ रहे तेरे ऊपर है उस दिन भगवान के नजदीक तू अगर है तो वो तेरा उपवास अगर किचन में जाके रसोई बनाना खाना ये बाधा बन रही है तो मत खा जरूरी नहीं okay. उपवास रख के भी मन यदि पिज्जा में ही है तो उपवास का अर्थ नहीं है कुछ भी मन इज इम्पोर्टेंट शरीर में जहाँ जाए हम वो मंदिर होना चाहिए अगर मन में ईश्वर बस गए तो जहाँ भी जा रहे हैं वो मंदिर हो गए okay. उपासना उपासना यानी नजदीक बैठना नजदीक ईश्वर के नजदीक कैसे जा सकते हैं मन के द्वारा ही जा सकते और समापन करें हम आज ओके वेर इज कुणाल कैन यू हियर मी कुणाल होस्ट की आवाज है कुणाल आराम से बैठा है and I think there's some problem in his connectivity uska voice kunal can you hear yes, I can hear we can't hear yeah. you come closer to laptop kunal we can't hear you hani aaram se koi aisa nahi he's away from laptop yes yes Jaydeep bhai koi question nahi be tran sessions the MC I'm talking to you Jaydeep Sorry? Your voice was cutting. To you. Sorry. Yeah, main kahu ke betran session thi koi questions na thi. No, no, I'm with you. If I have a question, I will definitely ask. Yeah, na, normally you have questions. Edle me. No, I am. Sorry. Chalo, to prarthna. Sure. Yeah, okay. Prarthna kariye. Yes. मृत्योर्मामृतंगमय ओम शांति 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 ओम शांति 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 जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण विजल हाँ बोल रात को सोते समय जो बोला तूने जो भी तो दोहा कहें या छंद कहें श्लोक है वो कहाँ मिलेगा वो पढ़ने के लिए व्हाट्सएप पे भेजो ना हाँ भेजो प्लीज व्हाट्सएप पे बहुत सुंदर है कर चरण कृतम कर यानी हाथ चरण यानी पैर या उससे जो मेरी कृति हुई है ऐसे है पूरा कर चरण कृतम वाक काया कर्म जम वाक मतलब रात को सोने के पहले कर लेने का तो जितने भी मैंने गुनाह किए सब माफ हो जाएंगे ना सब माँ उसका मतलब ये वापस करे इट्स लाइक जैन लोगों में जो प्रतिक्रमण होता है इट्स लाइक दैट ओनली राइट वैसे ही है अब पांडुरंग शास्त्री का किसने अभी जिक्र किया था तो उनके तत्वज्ञान में ये श्लोक होता था रात को सोने के पहले तो रोज प्रतिक्रमण करवो जो ये प्रवीण पर हमें वर्ष नु करिए छे ने हाँ पांडुरंग शास्त्री आठवले हाँ बिजल पांडुरंग शास्त्री आठवले तत्व ज्ञानी हता तो એલા દિવસો માં આટલે બધું ભણાય કેમ ભોગવીને ગયા આ નહીં નહીં આ છે પરમહંસ રામકૃષ્ણ પરમહંસ ને પણ કેન્સર થયું હતું
अच्छा कैंसल कर दो गड़ा એટલે એટલે કર્મ સિદ્ધાંત કર્મનો સિદ્ધાંત થિયરી ઓફ કર્મ ઇઝ સો પાવરફુલ અલ્ટીમેટલી વી ઓલ આર હ્યુમન બીઇંગ્સ હમ જો ઇસ જન્મ મે સત્કર્મ કર રહે ઉસકા ફલ અગલે જન્મ મે અચ્છા કર્મ કિયા હોગા કે ઉનકો બુક મનીષ બોલ ક્યા બોલ રહા થા હા અભી આપને જો પૂછા ના ડીઝલ કો કી જો રાત કો જો બોલને કા શ્લોક હે જો બોલને કે બાદ એસા જો ભી अपने हाथ से गलत काम हुआ रहेगा उससे मुक्ति मिलती है क्या राइट तो देर आर फाइव पावरफुल वुमन अपने जब तो अपने भारत में होके गए फाइव पावरफुल लेडीज जिनका नाम लेने के बाद महापापन आश्रम होता है तो वो कौन सा है अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी पंचकन्या स्मरे नित्य महापापन आश्रम अरे भैया ये सब सती हो गई है ये सब सती है महासती हो महासती उसमें द्रौपदी है कभी-कभी और कभी-कभी कभी-कभी हम लोग द्रौपदी के ऊपर मंदोदरी तारा अहिल्या एंड द्रौपदी द्रौपदी पे हम कभी-कभी जोक करते हैं बिकॉज़ ऑफ पांच पांडव एंड ऑल दैट शी इज सो पावरफुल शी इज आल्सो वन ऑफ द फाइव वुमन मनीष डू यू नो मनीष हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द लॉर्ड शिवा हैव Lord Shiva, no? Six children. अच्छा, अपने तो दो ही पता है. Through Google, I found out. Oh. First was Ganesh, then second was Karthik. Karthik. Third was Ayyappa. Oh. Fourth was Ayyappa. Ashoka, Ashoka Sundari. Fifth was Jyoti. And sixth was Vasuki or Manasa. अच्छा.